अब 8 बजे से 9 बजे के बीच का जो समय हमने रखा है वो है दाना मिश्रण का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ के पार्टीशन के लिए सारे रूम के अलग अलग दानों का वेट करके रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गॉट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर कई वीडियोस देखे होंगे और ये जितने भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किए गए हैं सारे वीडियोस किसी ना किसी बकरी पालक किसान भाई या हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी डिमांड पर बनाकर अपलोड किए गए हैं। और आज का वीडियो भी हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर मंसूरी जी हैं जिनका चैनल फैजान मंसूरी के नाम से है, उन्होंने डिमांड किया है कि सर आपके बकरी फार्म का फुल डे का जो फीड है जो फुल डे फीड का रूटीन है उसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको हमारे अपने बकरी फार्म के पूरा दिनचर्या जो होती है सुबह से लेकर शाम तक की कि हम पूरे दिन में सफाई कब करते हैं, पानी दाना भूसा उनका इलाज ये सारे काम हैं, ये एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये किस किस समय किस किस काम को करना है, कितना टाइम देना है हमें उस काम को, वो सारी चीजें आज मैं आपको अपने फार्म के अंदर लाइव दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। सुबह होते ही सबसे पहला काम जो है हमारा फार्म का वो है फार्म की क्लीनिंग। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहला काम हमने फार्म की क्लीनिंग को दिया है। जैसा कि आपको पता है हमारे दो फार्म है, पहला जो हाईटेक फार्म है पास में ही 100 फीट के बाद हमने दूसरा फार्म बना रखा है, तो दो लेवर हमारी इस फार्म के अंदर क्लीनिंग कर रही है, उसी तरह दो लेवर हमारी उस फार्म में क्लीनिंग कर रही है। तो हमने टोटल 4 लेवर रखी हुई है जो कि हमने 1 घंटे का समय दिया है पूरे फार्म की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरे फार्म की क्लीनिंग बहुत आराम से हो जाती है। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो 1 घंटे का काम है वो है हमारे फार्म की क्लीनिंग का। तो आप देख सकते हैं फार्म के जो पार्टीशन है उनकी पूरी तरह से क्लीनिंग हो चुकी है, इस तरफ भी देख सकते हैं। अब क्लीनिंग के बाद जो हमारा अगला काम है हम चलते हैं उसकी तरफ। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जो 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है वो हमने हमारे छोटे बच्चे जो 0 से 3 मंथ के होते हैं उनको दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं पूरे फार्म में हमने सिर्फ 2 ऐसे पार्टीशन में बकरियों को रखा है, इस तरफ सिरोही रखी हुई है, इस तरफ बरबरी रखी हुई है। ये दोनों पार्टीशन में जो बकरियां हैं ये मिल्किंग गोट्स है जो कि इनके बच्चों को हम लोग दूध पिलाएंगे जिसमें 1 घंटे का समय हम पूरा देते हैं। तो हम सबसे पहले दूध पिलाने की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में हम लाल दवा मिलाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे दूध पिलाने से पहले करते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है देखिएगा, हम क्या करेंगे इस लाल दवा से सारी बकरियों के आंचल को अडर को अच्छे से साफ करेंगे, जिससे कि इसका क्या फायदा है, जब बकरियों का आंचल अडर साफ हो जाएगा तो उसमें जो बैक्टीरिया रहेंगे वो बच्चों के पेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि बकरियां रात भर फ्लोर पर सोती है फार्म के अंदर, तो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो उनके आंचल में अडर में चिपक जाते हैं, जिससे कि जब बच्चा दूध पीने आता है तो डायरेक्टली वो बच्चे के पेट में जाते हैं और कई तरह के साइड इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रहे जब भी आप बच्चों को दूध पिलाएं तो सबसे पहले बकरियों के जो आंचल है अडर है उन्हें लाल दवा से अच्छे से धो दें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से उनके आंचल को अडर को लाल दवा से क्लीन कर दें, जिससे कि बच्चों में बीमारी का खतरा 90% तक कम हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे दूध पीते हैं उनके अंदर जो बीमारियां होती है वो सारी बकरी के पास से ही जाती है। तो इसी तरह हम बकरी के जो 0 से 3 मंथ के बच्चे हैं उन सभी को दूध पिलाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारा हाईटेक गोट फार्म है, इस हाईटेक गोट फार्म में हमने जो आप पार्टीशन देख रहे हैं पहला वाला इसमें हमने बॉर्न बेबीज रखे हैं, किड्स रखे हैं जो दूध पीते हैं, और सेम उनके पास वाले जो रूम बना रखा है पास वाला पार्टीशन है इसके अंदर हमने सारी उनकी मदर्स रखी हुई है जो मिल्किंग गोट्स है। और इसकी खास विशेषता यह है कि हमने यहाँ बीच में से गेट बना रखा है जिससे कि हम बच्चे को दूध पिलाना होता है तो यहीं से हम बच्चे को सीधा निकाल देते हैं और दूध पिलाकर यहीं से अंदर ले आते हैं, जिससे कि बच्चे को कहीं से घूमकर जाना नहीं होता है। तो देखिएगा इस तरह यहां से इसको खोल देते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं, वो जाकर यहीं से दूध पीकर वापस आ जाता है। तो दोस्तों जो पूरा 1 घंटे का समय हमने दूध पीने के लिए रखा हुआ है अभी सारे बच्चों को दूध पिलाने के बाद अब हम मिलेंगे 1 घंटे के बाद। जैसा आपने देखा कि हमने 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो 1 घंटे का समय था
वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए रखा हुआ था। अब 8 बजे से 9 बजे के बीच का जो समय हमने रखा है वो है दाना मिश्रण का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ के पार्टीशन के लिए सारे रूम के अलग अलग दानों का वेट करके रख दिया है। अब हम उस 1 घंटे में 8 बजे से 9 बजे के बीच में दाना मिश्रण को पूरे फार्म में डाल देंगे और बकरियां खा भी लेंगी। तो आप देखिए किस तरह से दाने को डालना है। आप देख सकते हैं दाना मिश्रण पूरे फार्म के अंदर डल चुका है। अब जिन बकरियों को हमने फार्म से बाहर निकाला था क्लीनिंग के समय उन्हें अंदर कर लेंगे जिससे कि वो समय से दाना मिश्रण खा सके। आप देख सकते हैं सारी बकरियां दाना बहुत अच्छे से खा रही हैं। अब दाना खिलाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दाना खिलाने से पहले फार्म के अंदर जितना भी पिलाने का पानी है वो फेंक दें और दाना खिलाने के 2 घंटे तक पानी ना रखें, क्योंकि बकरा बकरी कच्चा दाना खाता है। अगर उसे आप तुरंत पानी पिला देंगे तो दाना पेट में फूल जाएगा जिससे कि आफरा, लूज मोशन, डायरिया कई तरह की समस्याएं उसको हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो मेन चीज है दाना खिलाते समय आपको मॉनिटर करना है एक एक पार्टीशन में देखते हुए कि कौन सी बकरी कौन सा बकरा हमारा दाना नहीं खा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं इस तरह दिखाईगा, ये देखिएगा सारी बकरियां दाना खाने के लिए यहाँ से वहां भाग रही है, इसका मतलब सारी बकरियां स्वस्थ है। तो आपको दाना डालते समय समझ में आ जाएगा कि आपके फार्म के अंदर कौन सी बकरी बीमार है। अगर कोई बकरी दाना नहीं खा रही है उसका मतलब या तो वो बकरी डरती है या फिर वो बकरी बीमार है। तो जो बकरी डर रही है उसे उसके कम्फर्ट जोन में रखें, और जो बकरी बीमार है वो हमें इस समय समझ में आ जाएगी तो हम तुरंत उसका इलाज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा समय देंगे इनको दाना खाने के लिए। और जो बकरी बीमार हमें लग रही है उसे हम फार्म के बाहर जो प्लेइंग एरिया बना हुआ है उस तरफ हम बकरी को निकाल लेंगे और वहां पर उसका इलाज करेंगे। तो दाना मिश्रण खिलाते समय आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो जैसा आपको बताया मैंने कि हमने 8 बजे से लेकर 9 बजे का जो बीच का टाइम दिया है 1 घंटे का, वो दाना मिश्रण का दिया है ताकि बकरा बकरियां अच्छे से सुकून से दाना मिश्रण खा सकें। तो इसके बाद हम मिलेंगे अगले काम के लिए। जब तक हमारे बकरे बकरियां दाना मिश्रण खा रहे हैं तब तक हम उनके लिए ड्राई फोडर और ग्रीन चारा जो होता है ग्रीन फोडर उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसमें हम 2 तरह की चीजें मिलाते हैं, पहला आप देख रहे हैं चने का भूसा और दूसरा हम लोग ज्वार मिलाएंगे। जी हाँ, तो ज्वार और चने का भूसा दोनों चीजें मिलाकर हम उन्हें खाने के लिए सुबह के समय देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये चाप कटर है जिसे कुट्टी मशीन भी बोला जाता है। इसकी सहायता से हम ज्वार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये भूसे में अच्छे से मिल सके। जैसा कि आपने देखा हमने ज्वार को छोटे छोटे टुकड़ों में शार्प कटर की मदद से काट लिया है, अब उसे हम चने के भूसे में मिला रहे हैं। ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर का जो हमने मात्रा रखी हुई है वो 50-50% की रखी हुई है। 50% भूसा रखते हैं हम लोग और 50% हरा चारा रखते हैं। आप देख सकते हैं जो टाइम पीरियड हमने रखा हुआ है 8 से 9 बजे के बीच का, इस बीच में हमारी बकरियों ने सारा दाना मिश्रण खा चुकी है। अब 9 बजे के बाद जो हमारा काम रहता है वो रहता है ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर। जो अभी आपने देखा ड्राई और ग्रीन फोडर जो हमने मिक्स करके जो मिश्रण बनाया हुआ है वो हम हमारे बकरे बकरियों को देंगे। अब जो भूसा और हरा चारा हम मिलाकर दे रहे हैं ये 9 बजे देते हैं। उसके बाद जो पानी हमने रोक कर रखा, जैसे आपने वीडियो में देखा कि हमने पानी दाना खाने के 2 घंटे के बाद का बोला है, क्योंकि अगर हम तुरंत पानी देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया। तो बकरे बकरियां उस दाना मिश्रण को कुछ ही देर में खा जाते हैं, पर जो मिनरल मिक्सचर नमक हम मिलाते हैं वो नीचे रह जाता है। तो वो बकरे बकरियों को हम खाने के लिए 1 घंटे का समय देते हैं। उसके बाद इनको पीने का पानी हम 11 बजे देंगे। अब जो भी आपने सिस्टम लगा रखा हो अपने फार्म के अंदर, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा रखे हो या आप उन्हें नल की सहायता से पानी पिलाते हो, तो दाने के 2 घंटे के बाद आप उन्हें पानी दें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो काम है वो है इलाज का। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दाना डलता है तभी हम देख लेते हैं कि बकरे बकरी कौन सा दाना नहीं खा रहा है, तो
तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो बीमार है या फिर वो डर रहा है। तो जो बकरा बकरी दाना नहीं खा रहा था उसको हमने बाहर निकाल लिया है, हम उनका इलाज करेंगे। उसके बाद जो अभी चारा और भूसा मिश्रण हमने बनाया है, जिसमें सबसे पहली बार हम लोग 9 बजे डालेंगे, उसके बाद हम 12 बजे उसी मिश्रण को, हरे चारे को भूसे को मिलाकर डालेंगे, उसके बाद हम 3 बजे फिर आएंगे और 3 बजे हम हरा चारा और भूसे का जो मिश्रण बना है वो डालेंगे। तो इस तरह हम दिन में 3 बार हरा चारा और भूसे का जो मिश्रण बनाते हैं वो बकरे बकरी को देते हैं, जिससे कि उनका पेट अच्छे से भर जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत ज्यादा हरा चारा और भूसा दे देते हैं, जिससे कि कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं बकरे बकरियों में, अंडाइजेशन, आफरा, लूज मोशन होना, क्योंकि बकरे बकरियों को आप जितना खाने को देंगे उतना वो खाते जाएंगे, पर आप उन्हें समय से थोड़ा थोड़ा डालें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बकरी कितना दाना खाती है उस हिसाब से उसको दाना खिलाएं, कितना भूसा चारा खाती है उतना ही खिलाएं, ज्यादा ना खिलाएं, ज्यादा खाने से आपको जिस तरह के साइड इफेक्ट बताए वो हो सकते हैं। तो आपने देखा ये हमारा सुबह से लेकर तो 3 बजे तक का रूटीन हो जाता है, उसके बाद जब भूसा खा लेते हैं तो 5 से 5:30 बजे हम लोग वापस से अगेन फार्म के अंदर आते हैं, देखते हैं कि पूरे दिन में किस बकरा बकरी ने अच्छे से खाया है तो उसका पेट भरा हुआ दिख जाता है, जिसने कम खाया है उसका पेट हमें खाली नजर आता है। तो हम जो जानवर ने कम खाया है फिर उसका अलग कर लेंगे, उसका टेम्परेचर लेंगे, क्या उसे बुखार है, क्या उसका टेम्परेचर डाउन है, या उसे किस तरह की समस्या है। अगर उसे किसी तरह की समस्या है तो हम उसका इलाज करेंगे। इलाज के बाद जब क्लोजिंग का टाइम होता है, मतलब कि शाम के 6:30-6 बजे, हम पूरे फार्म में से जितना भी भूसा बचता है, जो ड्राई फोडर चारा डालते हैं वो बचता है, तो हम सारा निकाल लेते हैं, और फार्म के अंदर जो हमारे ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हैं उनका भी हम पूरी तरह से पानी साफ कर देते हैं, उसको पानी भी नहीं रहने देते हैं, जिससे कि रात को बकरा बकरी सिर्फ आराम करे, ना कि वो भूसा खाए और पानी पिए। अगर रात में भी वो खाएगा और पानी पिएगा तो वो उसे पचाएगा कब? तो उसे पचाने के लिए, जुगाली करने के लिए हमें उन्हें समय देना होगा, इसीलिए हम भूसा भी 3-3 घंटे के अंतराल में डालते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट काम बचता है वो बचता है छोटे बच्चों को दूध पिलाने का। जो 0 से 3 मंथ के बच्चे होते हैं हम उन्हें दिन में 2 बार दूध पिलाते हैं, एक बार मॉर्निंग के टाइम में, एक बार इवनिंग के समय। तो इवनिंग समय हम उन्हें 6 से 7 के बीच का टाइम फिक्स कर रखा है, जिसमें हम उन्हें दूध पिलाते हैं। और दूध पिलाते समय हमने आपको सावधानियां बताई हैं, वो आपको जरूर फॉलो करनी है, जिससे कि आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें और बकरी को थनेला रोग भी नहीं हो। क्योंकि बकरी के आंचल को, थन को अगर आप लाल दवा से दोनों टाइम साफ करते हैं दूध पिलाने से पहले, तो बच्चे भी बीमारियों से बचते हैं और उनको जो थनेला रोग की बीमारी होनी होती है वो भी नहीं होती है। तो आपने देखा कि किस तरह हम लोग सुबह से लेके शाम तक हमारे बकरे बकरियों का जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसमें क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या टाइम हमने फिक्स कर रखा है, जो आपको आज के वीडियो में लाइव दिखाया। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप भी किसी टॉपिक पर, किसी बीमारी पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।